हाय एवरीवन, आज हम अटेम्प्ट करेंगे इसको। ठीक है, ये है हमारा डेव चैलेंजेस का रिस्पॉन्सिव ट्रैक के अंदर पहला चैलेंज, दैट इज मिनिमल ब्लॉक ब्लॉक कार्ड। ठीक है, बेसिक इसको हमें एचटीएमएल और सीएसएस कैसे बनाना, और ये बिगनर एक बिगनर लेवल चैलेंज है। ठीक है, बेसिक कार्ड बनाना है हमने, तो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, ये हमारा वो है टारगेट बनाने का। ठीक है, और अगर हम इसको ब्रेक डाउन करें तो हम देख सकते हैं कि जो जो पूरी एंटिटी है हमारी में, ठीक है, बेसिकली सेंटर हो रखी है पेज के अंदर। ठीक है, और इस अगर पूरे कार्ड को मैं एक सेक्शन ले सकता हूँ, उसके बाद हमारे पास क्या है कि यहाँ पर ज़्यादा बेटर नहीं एक हम कर पाएंगे डिस्टिंग्विश। ये देख, ये वर्जन इसमें समझने में ज़्यादा बेटर हम थोड़ा समझ पाएंगे इसको, पर ट्राई करें। तो इसमें क्या है, देखो हमारे पास क्या है, पूरा सेक्शन आ गया। ठीक है, उसके अंदर हमारे पास ये इमेज है, उसके बाद एक टैग है। ठीक है, और ये है अपने पास एच वन टैग, हमारा एच वन आ जाएगा, एच वन टेक्स्ट। ठीक है, ये एक पैराग्राफ आ गया। उसके बाद यहाँ पे एक बॉर्डर बॉर्डर बना हुआ है, बॉर्डर ने ड्रॉ कर रखा है। ठीक है, जो कि अगर मैं यहाँ पे खोलूँ दूसरे वाले में, खुल जा। ठीक है, यहाँ पे मतलब पूरे पूरे उसके थ्रू पास हो रहा है। ठीक है, तो वट वी कैन डू इज कि ये जो नीचे का सेक्शन है इसको हम एक अलग डिव में डाल सकते हैं, और ये ऊपर वाले को एक बिल्कुल अलग डिव में डाल सकते हैं। ठीक है, और हमारे पास ये एक टेक्स्ट आ जाएगा, मतलब उसके लिए क्या बोलते हैं इसको, हम इसमें एक्सपैंड करके टेक्स्ट डाल सकते हैं। ठीक है, तो बेटम कर लिया हमने, अब इसको ट्राई करते हैं थोड़ा बनाने का। हमारे पास मेरा VS कोड आ गया। टेक्स्ट कंटेंट यहाँ पे मैंने क्या कर रखा है, जो इमेज नहीं थी वो कैक्टस वाली इमेज थी, कहाँ गई ये रही। ये जो कैक्टस वाली इमेज थी मैंने ऑलरेडी यहाँ पे ऐड कर ली है, ये रही। ठीक है, ये मैंने यहीं से डाउनलोड करी थी, ये इसको यूज़ करके। ओके, तो हमारे पास वैसे कुछ नहीं, एक HTML फाइल, एक CSS फाइल है, और ये है। ठीक है, बनाते हैं इसको। चीज़ इसको मैं यहाँ लेनी चाहिए, हम नहीं इसमें इसमें लगाने का कोई चक्कर नहीं है, इसको मैं यहाँ कर दूँ थोड़ा सा। ओके, आई थिंक ये ज़्यादा बेटर व्यू देगा हमें। ठीक है, और अपना लोकल चल रहा है लोकल सर्वर। ठीक है, इसको कर लिया एक बार। ठीक है, कोई नहीं, ऐसा चलता है। ठीक है, कर सकते हैं हम यहाँ पे। सबसे पहले तो अपने को ये चाहिए, कैन स्कॉल से टॉप कर सकते हैं। ठीक ठीक है, तो मैंने इससे बात करी थी, यहाँ पे हम सबसे पहले सेक्शन यूज करेंगे। ठीक है, सेक्शन, और इसके अंदर हम दो डिव्स लेंगे। ठीक है, ईच डिव के अंदर हम अपने मतलब ये वाला डिव है ऊपर आएगा हमारा, इसमें अपने को चाहिए एक यहाँ पे एक इमेज। ठीक है, प्लस एक स्पैन। ठीक है, डॉट, फिर हम क्लास लगाएंगे टैग की, उसके बाद अपने को चाहिए ये एच वन। ठीक है, उसके बाद चाहिए एक पैराग्राफ। ठीक है, ऊपर सेक्शन हमारा खत्म हो गया, नीचे पे आया था, नीचे वाले पे जो है उसमें हमें चाहिए ये और एक स्पैन। ठीक है, दिस शुड बी इनफ, राइट। ठीक है, तो अब अपने को ये इमेज चाहिए, इमेज 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 इमेज।
इसमें पे टू पट्टी बन गया बस। हमारे पास स्पैन, जो हमारा स्पैन में हमारे पास आएगा डिजाइन और ये उसके बाद जो कंटेंट हम यहाँ से कॉपी पेस्ट कर सकते हैं डायरेक्टली। ठीक है, अब अगर हम इस पर कॉन्फ्ट देखें तो यहाँ पे ठीक है, और बेसिकली हम अपने वर्ड्स की यहाँ पे ना मतलब सेंटेंस के ऐड पे हम वो लगा सकते हैं ब्रेक ब्रेक ब्रेक। ठीक है, ब्रेक टैग जो होता है हमारा, ठीक है वो ऐड कर सकते हैं यहाँ पे एंड में, तो उससे हमारा टेक्स्ट है ना दैट विल लुक विद दिस लाइक दैट विल हैव द सेम अलाइनमेंट एज दिस वन। ओके, तो बाद हम ठीक है, तो मतलब एक यहाँ पे आएगा इसको नीचे लेंगे और इसको ठीक है ये आ जाएगा हमारा। ओके, यहाँ पे हम अपने डेटा का यूज कर सकते हैं बी आर। ठीक है, ओके, तो डेटा डेटा अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है, ऑटो से कौन नहीं है। ठीक अपने को अब ये हो चुका है अपना, इसके अंदर डिब आ गया ना, इसके अंदर यहाँ पे चले इस फॉर्मेट। ठीक है, सही वाला होगा। ठीक है, स्पैन, तो स्पैन में अपने पास जो है वो है ऑथर, ये कॉलिंग ऑथर और पर्सन। ठीक है, क्लास HOR ऑथर। ठीक है, एंड हम ये टेक्स्ट कॉपी कर सकते हैं यहाँ से, ये टेक्स्ट आ गया हमारे पास। ठीक है, नाउ ये सेम बन गया। अब क्या चाहिए वो, एक तो इससे पहले ये जो है पैडिंग जो है उसको रिमूव करना पड़ेगा। ठीक है, मतलब बेसिकली जो सेक्शन है उसको सेंटर करना है ना को उस बॉडी के, तो कर सकते हैं कि जो बॉडी है हमारी तो पहले का मतलब पैडिंग रिमूव करते हैं, पैडिंग और मार्जिन ये दिख रही है हमें बॉडी के अंदर से। ओके, पैडिंग और जीरो नॉट जीरो जीरो मार्जिन आर और जी एल एन मार्जिन जीरो। ठीक है, ये अपडेट नहीं हो रही। ठीक है, क्यों नहीं हो रही, तो बिकॉज मैंने यहाँ पे लिंक नहीं किया इसको, लिंक सी। अब हमारे पास कैरिंग भी हो चुकी है, तो करना है अपने को कि इसके बाद सेंटर करना है अपने को प्रिंस इसको, तो हम फ्लेक्स कर करेंगे डिस्ट्रीब्यूट कंटेंट सेंटर एंड अलाइन कंटेंट सेंटर। ठीक है, इमेज को उधर देना पड़ेगा, इमेज को इसकी विड्थ क्या रखी उन्होंने यहाँ पे 336 पिक्सल। तो हमारा जो सेक्शन है सेक्शन को मैं विड्थ दे रहा हूँ 336 पिक्सल। ठीक है, एंड सिमिलरली इमेज को भी सेम विड्थ दे दूँगा। ठीक है,
लेट्स डू दिस, ये पे इमेज कॉपी करते हैं, ठीक है। सेक्शन उसके लिए जो इमेज है हमारे पास, अब इसकी हमारे पास कुछ हाइट भी होनी चाहिए, हाइट है कुछ कितना नहीं, ठीक है। तो व्हाट वी कैन डू इज हाइट कॉन्टेक्स्ट, ओके। लेट्स वन थिंग एट अ बॉर्डर, बॉर्डर 1 pixel सॉलिड रेड, ठीक है। तो ओके कूल, सो ये ऊपर आ गया हमारे पास। अलाइन आइटम सेंटर मीन्स वो अपनी तरफ आ रहा है, तो चला गया। कंटेंट सेंटर में अच्छा ठीक है, सही है, बिकॉज बॉडी की हाइट विड्थ सेट नहीं करनी ना, बॉडी बॉडी ऑटोमेटिकली साइज के ऊपर है बॉडी में, क्योंकि दिखाता हूँ मैं हमारी बॉडी है वो इस चीज़ की ऑटोमेटिकली शेप ले रही है जो हमारा टेक कॉन्टेंट है, तो ये पे आ जाएगी बॉडी में, इतनी सी है बॉडी को उठा के फुल पेज का करना पड़ेगा। तो कैसे करेंगे उसके लिए हम मिन हाइट रखेंगे 100 VH, ठीक है। सेंटर में वापस आ गया, अब हमारा जो वो है तो विड्थ लगा रखे हमने इसके ऊपर, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा सेक्शन, सेक्शन को तो पैटर्न देनी पड़ेगी, ठीक है। बैकग्राउंड कलर देखना पड़ेगा, बैकग्राउंड कलर बैकग्राउंड कलर बैकग्राउंड कलर, ठीक है। What we can do is we can create some materials. Background. Secondary. Okay. So we can use black background or ये हमारे पास आता है इसका. बस ये पीछे वाला बैकग्राउंड जाकर, ठीक है। अब बैकग्राउंड 1 तो बेसिकली वाइट ही होगा, ठीक है। और बैकग्राउंड टैग जी हाँ, बस स्टैक का बैकग्राउंड आ गया, ठीक है। और लास्ट जी ये क्या होता है ना, और टैग कलर एक्चुअली कलर डैश टैग करना चाहिए मेरे को, नाउ ठीक है। मुझे थिंक ग्रे ग्रे भी कॉपी करना चाहिए था, ग्रीन बाद में कर लेंगे, ठीक है। अब अगर इस इमेज को देखें तो यहाँ पे हमारे पास 16 की वो है अपने पास पैडिंग, ठीक है। 16 की पूरे उसमें पैडिंग है, तो जो हमारे सेक्शन को टाइटली पैडिंग दे सकता हूँ, पैडिंग 16 pixels, ठीक है। और हमारा सेक्शन है इसका जो बैकग्राउंड होगा, बैकग्राउंड कलर वो होगा हमारा बैकग्राउंड कलर 1, और जो बॉडी होगी इसका बैकग्राउंड क्या होगा, बैकग्राउंड कलर 1, ठीक है। जस्ट फॉर अ सेकेंड जस्ट डू वन थिंग, क्योंकि मुझे थोड़ा एपिडली क्लियर नहीं दिख रहा है, मैं थोड़ा कुछ और डिफरेंट कलर यूज करूँगा जस्ट फॉर नाउ, ठीक है। ओके और मूव हियर टू मी, अपने को यहाँ पे ये चाहिए बैकग्राउंड डिटेल्स,
बैकवर्ड कंट्री से अगर हम यहाँ से थोड़ा देखें तो, क्योंकि सिंस ये रेडियस होगा ना हमारा, देख इससे इससे कम रेडियस होगा ना, तो 16 से कम रखा है बैकवर्ड रेडियस अपने को यहाँ पे, और बस ठीक है। वट वी कैन डू इज यहाँ पे हम कम रख सकते हैं इसका बैकग्राउंड रेडियस, कम करना बैकग्राउंड रेडियस 16 से कम रखना है, तो फॉर नाउ लेट्स कीप इट 10, उसके बाद थोड़ा एडजस्टमेंट कर लेंगे। बैकग्राउंड नहीं, बॉर्डर रेडियस, बॉर्डर रेडियस 10 पिक्सल्स। एक काम करते हैं सेम उठा के देते हैं यहाँ पे, यहाँ से यहाँ कर देते हैं, तो हमारी इमेज को भी बैकग्राउंड आ गया है, ओ मतलब वो आ गया इमेज को भी राउंडेड कॉर्नर्स आ गए हैं। ठीक है, अब अपने पास ऐसा है, ठीक है, बट वी कैन डू दिस। तो जो हमारी इमेज है, इमेज को तो यहाँ पे पैडिंग चाहिए वाली, तो पैडिंग एक्चुअली मार्जिन मार्जिन बॉटम, ठीक है, कितना मार्जिन चाहिए अपने को 16 पिक्सल्स का, थोड़ा सा बढ़ गया 16 पिक्सल्स का चाहिए मार्जिन, ठीक है, और काफ़ी तक शेप में हमें पड़ा ही है। तो यहाँ पास ये टैग है हमारे पास, अब इस टैग का क्या करना है अपने को कि इसमें अपने पास ऊपर जो है वो 4 की पैडिंग है और 16 की अपने पास वो है, क्या बोलते हैं इसको, इनलाइन पैडिंग है और ये ब्लॉक पैडिंग है इसकी। तो सेक्शन के अंदर जो हमारे पास क्लास के अंदर जो भी पड़ा है उसको मैं एड कर रहा हूँ, और उसका बैकग्राउंड कलर जो है मैं मार्क कर रहा हूँ एज ये कलर इट्स बैकग्राउंड, ठीक है कूल। अब अपने पास इसका कलर चाहिए, कलर इज दिस वन। अपने को चाहिए पैडिंग, पैडिंग जो हमारी पहले की ब्लॉक पैडिंग दैट इज 4 पिक्सल्स, उसके बाद एक इनलाइन पैडिंग दैट इज 16 पिक्सल्स, उसके बाद बॉर्डर रेडियस, बॉर्डर रेडियस जो है वो हमारा रहेगा ये कुछ शुड बी 16, राइट, नो 16 8 होना चाहिए, 16 होना चाहिए, लेट्स ट्राई बॉर्डर रेडियस, बॉर्डर रेडियस 16 पिक्सल्स, लेट्स ट्राई, ओके बिंगो हो गया ये। अब ये गैप है इसके बाद, ठीक है, कितना बढ़ेगा फिर से वन थिंग, पहले तो जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं सबको एक चीज़ बोल दो कि अपनी पैडिंग वगैरह को सब बोलो डिफॉल्ट पैडिंग को, बिकॉज बहुत कन्फ्यूज करते हैं कई बार डिफॉल्ट पैडिंग। नाउ लेट्स वन थिंग कि सेम उठाते मार्जिन बॉटम चला गया, मार्जिन बॉटम नीचे नहीं चला, लेट्स वन थिंग इस पे लगाते हैं मार्जिन पैडिंग, इस पे लगा के देखते हैं, ठीक है, सेक्शन H1 मार्जिन टॉप, ठीक है, बॉटम सेम बन गए, ठीक है। अब टेक्स्ट को 10 पीस रहने दो, और टेक्स्ट के बाद जो हमारे पास ये सीसीटी ई सेक्शन, इसके अंदर क्या करना पड़ता है, 20 की पैडिंग ऐड करनी है, तो मार्जिन करना है, मार्जिन बॉटम 20 पिक्सल्स, ओके। अब जो
सेक्शन, सेक्शन में जो हमारे पास डिव है, ठीक है, फिर हम एन सेलेक्ट लाएंगे इसके ऊपर, एन सेलेक्ट ला के चाइल्ड सेट होते हैं, कौन सा होता है ये होता है इस, आई कैन रिकॉल करके बॉर्डर बॉटम वन सिक्सटी, सॉरी ओके 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 ठीक है, तो इस पे आएगा तो मुझे इस पे लगाना, डिव पे लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो ये लाइन हमें फुल अक्रॉस दिस चाहिए है ना, तो हमें जो क्या बोलते हैं इसको, क्या बोला यार ये, अपने जो ये डैश लाइन लगानी इसके ऊपर लगानी पड़ेगी अपने को, क्या बोलते हैं जो हमारा डिव है, और हमारे जो मार्जिन भी हैं ये भी हमें डिव पे लगाने पड़ेंगे, जो हम यहाँ पर मार्जिन लगा रखना ऊपर उसको हमें डिव पे लगाना पड़ेगा। सेक्शन डिव ओके ठीक है, सीट से हमें इसमें लाना पड़ेगा, बॉर्डर रेडियस इस पर लगेगा, ठीक है, इस पर लगेगा हाइट विड्थ, एक्चुअली जस्ट इमेज लगेगी लगेगी क्या ठीक है, सही है ओके। और ये भी ठीक है, इसको बस फिक्स थोड़ा सही करना पड़ेगा, और पैडिंग ऑटोमेटिकली आ चुकी है, ठीक है, तो बन गया ये ऑलमोस्ट। अब बस अपने को क्या चाहिए, ये क्या बोलते हैं इसको, फॉन्ट चाहिए, ठीक है, तो इसमें लगाना पड़ेगा, तो वर्चुअल प्लेटफॉर्म पर वो चाहिए, वेट फॉर फॉन्ट, साइज अच्छा रैम में ना, ठीक है जस्ट वन थिंग, कि कुछ फैमिली उठाते हैं, ठीक है, बाद में ऑप्टिमाइज करते हैं, नहीं नहीं चाहिए, एक रेगुलर चाहिए, एक मीडियम चाहिए होगा, और एक बोल्ड ले लो, आई थिंक बोल्ड भी नहीं था, रेगुलर मीडियम में काम हो जाए, रेगुलर मीडियम में काम हो जाना चाहिए, ठीक है, इसको उठाया यहाँ से, और ठीक जो हमारा H1 टाइटल स्क्रीन में बोला है कि अपने को 1.125 रैम यूज़ करना है, ठीक फॉन्ट साइज 2 और टैग H1 फॉन्ट साइज थोड़ा फॉन्ट वेट वेट ऐड करना पड़ेगा, मतलब थोड़ा पत वो होगा ना ये फॉन्ट वेट विल बी वेट विल बी व्हाट 500 H1 पे कर, H1 चलो खुल जाने दो उसको, अपने को इस पे टैग पे लगा दो छोटा, ओके नाउ व्हाट
50% कर रहा था मैटर, यहाँ से 50% से एरिया जाएगा। बॉडी विल बी दिस, ठीक है, बॉडी विल बी अवर पी दैट राइट। तो फॉन्ट फॉन्ट का कलर भी चाहिए ना, फॉन्ट कलर मिल गया, फॉन्ट कलर कलर जस्ट मिल जाएगा। डैश वन बाय डिफॉल्ट, कलर डैश टू देखो, कलर डैश ठीक है हो गया। और हमारा ये रहेगा बॉर्डर, ठीक है, स्पेस सेम हमारा ये रहेगा। और सेक्शन के अंदर जो हमारा डेल ऑफर, ठीक है, फॉन्ट साइज हमारा फॉन्ट नहीं फॉन्ट एडजस्ट कलर यूज करना, फिर फॉन्ट कलर यूज करना। और ठीक है, कितना पसंद है तो ये है, ठीक है, इस शायद ये थोड़ा सा गाना इनकम्प्लीट है। कलर ठीक है, एक ही कलर हो गया, दूसरा कलर जो मेरे को पिक करना होगा, दूसरा कलर ये वाला पिक करना, ठीक है। कलर आ गया, ठीक है, और क्या चाहिए, डार्क कलर था, कौन सा कलर था वो, डार्क कलर था, बहुत ये था, ठीक है, ओके फाइन। तो दिस इज हाउ इट लुक्स राइट, ओके, दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो, थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग।